हेलो गाइस, वेलकम टू सरंगन म्यूजिक। और जैसे कि तो फ्रेंड्स, आज कर रहा हूँ मैं आपके साथ बुलढाणा टूर, और उसके साथ मैं आया हूँ आज अमरावती, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया है वीडियो मतलब डालने के लिए। तो मैं बुलढाणा से बहुत दिन हो गया आ गया हूँ, और आज मैं डाल रहा हूँ आप लोगों के साथ अमरावती और बुलढाणा दोनों टूर। और ये है मेरी सिस्टर, मेरी चाचा की लड़की ईश्वरी महाजन। और आप लोगों को अगर नहीं पता है तो इसका भी एक चैनल है ईश्वरी महाजन करके, जिसपे वो सिखाती है आपको अच्छी अच्छी नई नई डिशेस खाने की, कुछ कुछ मराठी वो मैं बोल सकती हूँ। हाँ, तभी हाँ, तो उसके चैनल के बारे में वही खुद आपको बताएगी। हाँ, तो हाय गाइस, मैं हूँ ईश्वरी महाजन, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है ईश्वरी महाजन। मैं रेसिपीज डालती हूँ उस पर, बहुत अच्छे अच्छे नए महाराष्ट्रियन डिश और चाइनीज तो एक्सेट्रा। तो फिर अगर आपको अच्छी अच्छी डिशेज देखने को खाने को पसंद है तो आप मेरे चैनल पर जाके ज़रूर चेक कीजिए, और वीडियो पूरा देखकर लाइक कमेंट ज़रूर करना गाइस, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप एक बार जाके देखो, आपको बहुत बढ़िया पसंद आएगी मेरे वीडियोस। तो यह है मेरा चैनल, उसका नाम है ईश्वरी महाजन। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो लिंक पे। और अगर आप सच्ची मन से दिल से अगर आपको सच्ची पसंद है डिशेस वगैरह, मराठी डिशेस बहुत अच्छी अच्छी, नॉनवेज है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब डिशेस है, आप ज़रूर देख सकते हो। तो जाके वहाँ पर चेक करना मेरे चैनल को, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आगे का वीडियो चालू करते हैं। अभी हमारा बुलढाणा टूर जो मैंने बोला था, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज। तो चलो देखते हैं बुलढाणा टूर। गाइस, बुलढाणा टूर चालू करने से पहले एक गुड न्यूज़ है अकोला वालों के लिए, क्योंकि अकोला में शुरू हो चुके हैं एक नए डांस क्लास, S&A डांस स्टूडियो करके नाम है रामनगर अकोला में। उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे दिया है, कॉन्टैक्ट नाम दिया है मैंने अक्षय ढोले, इंस्टाग्राम पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपके लिए मैंने वहाँ पे कार्ड डाला हुआ है, देखिए अभी एक कार्ड आएगा तो उस पे आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइज, S&A डांस स्टूडियो करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको डांस सीखने को मिलेगा और नई नई स्टेप आपको देखने को मिलेगी। मैं उनके यूट्यूब चैनल के एक डांस की वीडियो की छोटी सी झलक आपको दिखा रहा हूँ, तो चलिए देख लीजिए वो झलक, और आप लोगों को पसंद आए तो आप उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत समय बाद लड़की पे गाना, गाड़ी और दारू नहीं दिखाना, सड़की तरीका है ये प्यार दिखाने का, जेब में ना कोड़ी फिर भी तेरे पे दीवाना, तू हाई फाई लेकिन मैं फोकड़ के वाईफाई पे बैठा हूँ, नाम तो बता, मैं डालूंगा डीएम फिर MCPM, करे बात बात साथ साथ खाली घर रात रात रात, बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा, तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा, ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई गाय नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा, दिखती है माशाल्लाह चलती है इसमें तो राय नहीं है क्या, मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, आइटम पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। तो गाइस, कैसे लगा आपको इनका डांस, ज़रूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा बुलढाणा टूर। तो गाइस, मैं निकल चुका था बुलढाणा के लिए, और मैं बुलढाणा को जाने के लिए हमेशा ट्रैवलिंग करता था बस से, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन नहीं है यार, वहाँ पर रेलवे स्टेशन ही नहीं है, तो हमें ट्रैवलिंग जो करनी है बस से, कार से, या प्राइवेट जो ट्रैवलर्स रहते हैं वहाँ उससे ही करनी पड़ती है, तो मैं हमेशा बस से ही आना जाना करता था, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग भी ST में ही चल रहा था, तो मुझे इतना ये लगता नहीं था ST में अप डाउन करना, मैं बहुत बार आया गया, घर पे भी आया बहुत बार, तो ST में ही मेरा हमेशा ट्रैवलिंग था। और यहाँ का जो रास्ता है, रास्ता बहुत ख़राब है, पर नज़ारा जो है, नज़ारा बहुत बढ़िया है यार, आजू बाजू में जो नज़ारा है बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि
अकोला से निकलो तो फिर बाड़ापुर लगता है, उसके बाद खामगांव, और खामगांव से जो आगे रास्ता है बहुत बढ़िया है, और फिर खामगांव से आगे वाला रास्ता जो इतना बढ़िया है क्योंकि वहाँ पर नज़ारा जो व्यू है इतने बढ़िया है, रास्ता बहुत ख़राब है वैसे, गड्ढे वगैरह है, ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक अभयारण्य है बीच में, ज्ञानगंगा अभयारण्य है, तो इस वजह से वहाँ पर रास्ता छोटा ही रहता है, वहाँ पर बड़ा रास्ता नहीं बनाया जा सकता है। और गाइस बीच में हो गई थी बारिश शुरू, क्योंकि एकदम मौसम बदल गया था तो बारिश चालू हो गई थी, तो सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा था, ड्राइवर को भी एकदम से कोई आ रहा था सामने तो भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि सामने से गाड़ी आ रही है तो वो भी नहीं दिख रही क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर की हो गई थी शुरू। पर कुछ नहीं, थोड़ी देर हुई बारिश, उसके बाद बारिश चली गई, उसके बाद का जो मौसम था बहुत बढ़िया हो गया था, नज़ारा पूरे पेड़ गिले गिले और ठंडी ठंडी हवा छूट गई थी, मस्त बहुत अच्छा लग रहा था, वो नज़ारा देखने जैसा था। तो उसके बाद मैं जब उतरा फिर बहुत ठंड थी, फिर हमने पी चाय कुल्हड़ वाली, तो बहुत बढ़िया चाय मिलती है बुल्ढाना में, कुल्हड़ वाली चाय भी अच्छी थी। तो गाइस उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे रूम, पहले मैं अलग दूसरे रूम में था, फिर मैं अपने एक दोस्त के फ्लैट पे आ गया, तो ये मेरे दोस्त का फ्लैट है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ फ्लैट भी शेयर करूँ, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ फ्लैट वाला। तो ये गैलरी थी, ये हॉल था, बहुत बड़ा फ्लैट था, 2 BHK फ्लैट था। तो ये था, देखिए लव बर्ड्स, वहाँ पर लव बर्ड्स भी है, आप लोगों को पता नहीं होगा तो मेरे घर पर भी लव बर्ड्स है, मैं कभी दिखा दूंगा आपको। तो ये ITR कॉलेज था सामने, इधर एक ग्राउंड था, मस्त ग्राउंड। तो ये था हॉल मेरे फ्लैट का, फिर वो उधर सामने जो दिख रही वो मेरी रूम है उधर वाली, ये किचन था, और ये है किचन, और उसके बाद में जो है इधर वाले रूम मेरे दोस्त की थी, मेरा रूम पार्टनर की। तो ये वाली जो रूम है, हाँ ये, तो ये मेरे रूम पार्टनर की थी, मतलब जो मेरा फ्लैट में था साथ में था तो उसकी थी। और गाइस यार उसके ही फ्लैट का, मतलब उसके रूम का वीडियो लिया गया, मेरे भी रूम का वीडियो लेना भूल ही गया मैं, जल्दबाजी में था तो भूल गया जल्दी जल्दी में लेना। तो उसके रूम से आप मेरे रूम का अंदाज़ा भी लगा ही सकते हो कि कितनी अच्छी होगी, तो मैं जल्दबाजी में था इसलिए भूल गया, मैंने ये वीडियो भी बहुत लास्ट लास्ट में लिया था। तो गाइस ये है ग्राउंड, तो गाइज ये ग्राउंड जाने के लिए आप देख रहे होगे कैसे जाना पड़ता है दीवार चढ़ के, क्योंकि इसको जाने का एक जो रास्ता था वो रास्ता ITR कॉलेज से होता है तो वो बंद करके रखा हुआ था, तो ये लोगों को खेलने के लिए जाना था तो फिर दूसरा रास्ता भी नहीं था, तो ये लोग दीवार चढ़ के ही जाते थे, रोज़ सुबह आते थे, हम रोज़ उनके मैच जो थी क्रिकेट के मैच हम देखते थे उनके, रोज़ सुबह हमारा बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता था, पर मज़ा आता था, यहाँ से देखते थे हम ऊपर से, देखिए कैसे जा रहे हैं वो दीवार से चढ़ के, बहुत मज़ा आता था। हम भी एक बार गए थे ऐसे ही दीवार से चढ़ के, वो ग्राउंड पे बहुत डेंजर लगता है, पर पूरी दीवार चढ़ के फिर वहाँ से कूदना पड़ता है नीचे। क्रिकेट का शौक देखिए कितना क्या क्या करवाता है लोगों को, देखिए वो लोग पहले से ही वहाँ जमा हो गए, लंबी मैच चलती इनके, सुबह सुबह ही आते थे यार, ठंडी में भी आते थे वो लोग। तो गाइस इस तरह से है हमारे ये फ्लैट, जैसे नज़र आपको सुबह दिख रहा है वैसे ही रात को भी इतना बढ़िया नज़ारा हो जाता था, शाम को जब सूरज ढलता था तो यहाँ से इतना बढ़िया नज़ारा लगता था। उसका फ़ोटो होगा तो मैं ज़रूर आपको इसमें डालूंगा, आगे वाले आगे की वीडियो में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, आप ज़रूर आगे वीडियो देखिए पूरा, बहुत सारे वीडियोज़ फ़ोटोज़ देखेंगे। तो चलिए आपको मिलाते हैं मेरे बुल्ढाना से कुछ दोस्तों से। तो फ्रेंड्स ये है मेरा रूम पार्टनर ऋषि, बहुत ही मस्तीखोर था, और ये हम साथ में फ़ोटो खींचते थे, बहुत हम मस्ती करते थे, फ़नी कुछ और भी फ़ोटोज़ थे हम लोगों ने साथ में खींची थी रूम में, हम जब भी बाहर जाते तो ऐसे फ़ोटो खींच लेते थे। तो ये है मेरे दोस्त शेखर, और हम भी बहुत घूमते फिरते रहते थे बहुत ज़्यादा, ये हमने साथ में फ़ोटो खींचे घूमने के, पहाड़ों पे गए थे तब खींचे थे। तो गाइज ये है मेरा सबसे प्यारा और सबसे पहला दोस्त है बुल्ढाना का, और उसका ही फ़ोटो आपको लास्ट को दिखा रहा हूँ, तो इसका नाम है विक्की। गाइज इसकी ना बुल्ढाना में 2 शॉप है, कॉस्मेटिक की है, अगर कोई मुझे देख रहा है बुल्ढाना से और कोई लेडीज़ हो कॉस्मेटिक की चीज़ें चाहिए किसी को बुल्ढाना तो में, सर इसके शॉप को विज़िट करिए, इसकी शॉप है कारंजा चौक के पास, A to Z करके नाम है, और दूसरी शॉप का नाम मैं भूल गया हूँ, पर आप एक शॉप पे जाइए तो आपको दूसरी शॉप भी मिल ही जाएंगी। तो ऐसा है मेरा फ्रेंड विक्की, आप हालत और शक्ल पे मत जाइए, दो दो दुकान का मालिक है वो। तो ये है मेरे दोस्त शेखर, इसके पहले भी आपको फोटो दिखाया मैंने। इसके बाद चलते हैं अभी हम पिज़्ज़ा खाने में, पिज़्ज़ा खाने गया था तो दिखा रहा हूँ आपको, मैं गया था एक कैफ़े में, बहुत अच्छा था यार, आप भी ज़रूर विज़िट करिए ये कैफ़े को, अंदर देखिए इतना बढ़िया था और कोई लोग भी नहीं थे यार, पर अभी लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है तो कोई आता नहीं ज़्यादा, हम गए थे तो उन्होंने लाइट्स वगैरह लगाए, लाइट्स भी बंद करके रखी थी उन्होंने अंदर की। और ये तो है आप लोगों को पता ही होगा, जिनको अगर अच्छा लगे कुछ तो वो लिखते हैं
और एक कागज पे, और वो वहाँ चिटकाया जाता है, कमेंट बॉक्स है वो उनकी शॉप। तो गाइज ये था पिज्ज़ा। कैसे लगा पिज्ज़ा आपको, ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और आप भी ज़रूर विज़िट करिए। तो गाइज उसके बाद हम गए थे घूमने, मतलब घूमने तो रोज़ ही जाता था जब टाइम मिला, जब ऐसे घूमते थे। पर ये है चिखली रोड, चिखली औरंगाबाद जो रोड है वो वाला रोड है ये, बहुत बढ़िया रोड है यार। और ऐसे रोड पर गाड़ी चलाने में कितना मज़ा आता होगा आप लोगों को भी पता ही होगा। आप लोग अगर इस रोड पर पहले गए हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करिए यार, अगर आप लोगों ने भी ये रोड पर ट्रैवलिंग की है तो ज़रूर बताइए। तो मैंने पूरी पूरी जो बाइक थी मैंने चलाई, जाते वक्त आते वक्त मेरे दोस्त ने चलाई थी, और जाते वक्त का जो रास्ता था पूरा मैंने कवर किया था। और हम यहाँ आए थे चिकन खाने पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पे ढाबे पे हमें चिकन खाना था, हम ढाबे पे आ गए थे चिकन खाने के लिए। और चिकन खाने के बाद हम निकले थे वापस घर जाने के लिए, तब मैंने शूटिंग लेने को बोला पर उसने शूटिंग भी ऐसे सीधी ले ली थी, बहुत सी शूटिंग जो सीधी ही ली गई है। तो गाइस चलिए आपको दिखाता हूँ बुढ़लाना के कुछ खास खाने के आइटम्स। तो ये है चाइनीज़ वेज बुलेट करके इसका नाम है, और उसके बाद है ये है मंचूरियन, वेज मंचूरियन, और इसके बाद ये वेज है वेज ड्रैगन, ये बहुत बढ़िया लगता है यार, मतलब ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, वो जो था वेज बुलेट वो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सब चीज़ें चाइनीज़ है ये मिलता है चिंचोली चौक में, चिंचोली चौक वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, चिंचोली चौक बुढ़लाना में बहुत फेमस है, आप कभी अगर बुढ़लाना गए तो ज़रूर चिंचोली चौक जाइए। तो ये है चिकन तंदूरी, बहुत बढ़िया था यार ये भी, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद है चिकन रोस्टेड, आप सभी लोगों को रोस्टेड तो पता ही होगा और मेरे सबसे फेवरेट है चिकन रोस्टेड। तो उसके बाद ये थी चिकन की सब्ज़ी, इसका नाम क्या था यार पता नहीं। और ये जो है चिकन हांडी, चिकन वराड़ी हांडी जो हमने चिकली में खाई थी ढाबे पे, बहुत अच्छा ढाबा था, सबसे मतलब बहुत अच्छे अच्छे ढाबे वहाँ पे सभी फेमस है, तो वहाँ पे ही हमने खाई थी। और ये जो है झुम्बर, ये कोई होटल में मुझे दिखा था, बहुत अच्छा लग रहा था, एक दिन रात को हम गए थे पार्सल लेने तो वहाँ पे दिखा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने फ़ोटो खींच लिया है। तो गाइज़ उसके बाद हम गए थे घूमने, घूमने गए थे मतलब हमने डिसाइड ही नहीं किया था कहाँ जाना है, तो ऐसे ही हम निकल गए थे। तो हमने मोताड़ा घाट जो है मलकापुर रोड वो हमने नीचे उतरा, तो फिर उसके बाद सोचा कहाँ जाए उसके बाद उतर के घाट, तो घाट उतरे, फिर मेरे दोस्त ने कहा कि यार यहाँ पे राजूरा करके गाँव है, वहाँ पे एक मंदिर है शिव जी का रामेश्वर मंदिर, तो मैंने कहा चलो अगर अच्छा है तो देख लेते, अभी आ ही गए तो। पर गाइज़ ये जो वीडियो है ये उतरते वक्त का नहीं है, जब हम वापस जा रहे थे मतलब जब रिटर्न जा रहे थे, हम जब आ रहे थे तब यहाँ घाट उतरना पड़ता है और जब जाएंगे तब घाट चढ़ना पड़ता है, तो ये चढ़ने वाला वीडियो जब घाट चढ़ रहे थे हम, तो आप लोगों को लगेगा नहीं तो ये उतरे कैसे रहे, ये तो ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ये उल्टा वापस जाते वक्त ली हुई शूटिंग है, रिटर्न जब हम जा रहे थे तब ली गई थी शूटिंग। तो चलिए देखते हैं मंदिर, अभी मंदिर की कुछ वीडियोज़ है मेरे पास। तो गाइज़ ये है मंदिर, बहुत बढ़िया मंदिर था यार, मतलब एकदम पुराने टाइप का था, नीचे आप देखोगे तो अभी आगे बहुत अच्छा है। ये उसका बाहर का सब नज़ारा था, कुछ लिखा हुआ था, देखिए रामेश्वर मंदिर लिखा हुआ है, राजूरा तालुका मोताड़ा जिला बुढ़लाना है। और ये थे उसके एंट्री दरवाज़ा। तो फिर ये गए थे हम अंदर मंदिर के, ये मंदिर के कुछ खाम थे, उस पर भी कुछ फ़ोटोज़ लगे थे, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो गाइज़ यहाँ पे भोलेनाथ जी जो थे वो अंदर थे, मतलब गाभारे में थे, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के उतरना पड़ता था। और भोलेनाथ जी की शिवलिंग थी वो भी बहुत बढ़िया थी, अंदर नीचे मतलब सीधी ज़मीन में थी, स्वयंभू है शायद से वो पिंड। तो यहाँ पे सीढ़ियों पे भी कुछ लिखा हुआ था, मतलब रामेश्वर मंदिर का नाम ही लिखा हुआ था। और फिर यहाँ पे शूटिंग निकालना अलाउड नहीं था, पर मैंने निकाल ली थी थोड़ी बहुत, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पूजा वगैरह कर रहे थे सब, अपने अपनी चीज़ को करनी है, वो बेल वगैरह ला के हम बेल चढ़ाते भोलेनाथ को, उस तरह से बेल और फूल चढ़ाए गए थे। और फिर ये जो खाम थे वो खाम पे भी 12 ज्योतिर्लिंग के फ़ोटोज़ थे, मतलब देखिए केदारनाथ जी का फ़ोटो है, महाकालेश्वर का फ़ोटो है, उसके बाद वैजनाथ का फ़ोटो है, 12 ज्योतिर्लिंग के 12 फ़ोटोज़ यहाँ 12 खाम पे लगे हुए थे, ओमकारेश्वर का है, उसके बाद त्र्यंबकेश्वर है शायद, फिर ये सोमनाथ है, ये कौन से सोमनाथ ही है, गुजरात के सोमनाथ महाराज, सोमनाथ भोलेनाथ जी का है, मल्लिकेश्वर, रामेश्वरम, उसके बाद है घुष्णेश्वर, उसके बाद है त्र्यंबकेश्वर, उसके बाद है भीमा शंकर। तो इस तरह से 12 खाम पे 12 ज्योतिर्लिंग के फोटोज लगे हुए थे। ये है नंदी। तो गाइज इस तरह से था ये मंदिर के बाहर का नज़ारा।
तो चलिए अभी चलते हैं और कुछ घूमने बुढ़लाना में। जब मैं नाइट में घूमता था तो मैंने ये शूटिंग निकाली थी, ये जयस्तंभ चौक है बुढ़लाना का, और ये जयस्तंभ चौक के आगे फिर रोड जो जाता है वहाँ से दो रूट हैं, एक खामगांव के लिए और एक चिखली के लिए। खामगांव से फिर हम अकोला जा सकते हैं, मेरी सिटी। तो चलिए हम अभी देखते हैं कुछ और यहाँ पे जो मैंने नाश्ता किया है, कुछ मैंने नाश्ते के फ़ोटो लिए हैं, नाश्ता की जो डिशेज है तो उसके फ़ोटो लिए हुए हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वैसे नाइट को भी मैं बहुत घूमता था, यहाँ पे मज़ा आता है क्योंकि ठंडी का सीज़न है, बाहर घूमने में तो और मज़ा आता है, मुझे बाइक पे तो और ही मज़ा आ रहा था। तो चलिए अभी देखते हैं कुछ और नाश्ते की चीज़ें, जैसे कि मैंने यहाँ पे खाई हुई है बहुत सारी नाश्ते की चीज़ें, पर कुछ कम ही फ़ोटो लिए थे मैंने। वैसे ये है डोसा, आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा, और ये फ़ोटो मैंने आधा खाने के बाद खींचा था तो मेरे याद गई, एकदम से याद आया तो फ़ोटो खींचना रह गया। तो फिर ये है समोसा, मेरा सबसे फेवरेट, और ये खाया था हमने राजस्थानी बेकरी, राजस्थान करके एक दुकान थी राजस्थानी जिसका नाम था, और बहुत अच्छी, और ये ढोकला भी वहीं पे खाया था, बहुत अच्छा है, मिलता है यार वहाँ पे। फिर उसके बाद ये है महाचाय करके एक शॉप थी, वहाँ पे मैंने फ़ोटो खींचा था, बहुत अच्छा लुक था यार यहाँ पे, तो मैं हमेशा जाता था चाय पीने के लिए और नाश्ते के लिए भी स्पेशली। और ये था सूप, बहुत टेस्टी सूप था, ये भी बहुत बार खाया था मैंने। इसके बाद ये मिनी कचौरी, बुढ़ाना में भी ये मिलती है, बहुत फेमस है मिनी कचौरी। तो गाइस चलिए और चलते हैं घूमने, नाश्ते की चीज़ तो समाप्त हो गई है। तो मैंने बहुत सी चीज़ें खाई पर मैंने बहुत कम फ़ोटोज़ निकाले, तो जितने थे उतने आप लोगों के साथ शेयर किए थे नाश्ते के भी। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा और घूमने बुढ़ाना में, ये वापस से हम घाट में आ गए हैं, हमने कुछ यहाँ पर भी जाने का ऐसे सोचा नहीं था हमने, तो ऐसे निकल गए थे और अचानक से फिर दिख गए अच्छे प्लेस, तो फिर वहाँ गए, वहाँ पे भी बहुत सारे फ़ोटोशूट भी किए, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा फ़ोटोज़। चलिए ये रोड इतना बढ़िया है यार, यहाँ पे तो गाड़ी चलाने को और भी मज़ा आता है, और टू व्हीलर पे तो और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, कार में बड़े बड़े ट्रक यहाँ से जाते हैं तब हमें थोड़ा दिक्कत होती है, पर टू व्हीलर में ज़्यादा मज़ा आता है कार से भी, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है वो टू व्हीलर से हमें बहुत अच्छी तरह से दिखता है, बाकी अगर हम कार से जाएंगे तो इतना दिखेगा नहीं, और हम टू व्हीलर कहीं भी रख सकते हैं और उतर भी सकते हैं, यहाँ पे साइड में फ़ोटोशूट भी किया था हमने भी, तो यहाँ पे हम उतर के फ़ोटो भी खींच सकते हैं। तो गाइज़ ये हम चले गए थे एकदम पहाड़ पे, नीचे रोड दिख रहा है आपको, हम यहाँ पे चढ़ के गए थे, वो उतरना इतना तकलीफ जा रही थी हमको, ये भी मैं हम चढ़े थे वहीं से ली हुई शूटिंग है, वापस से थोड़ा दूसरा वीडियो है सिर्फ, देखिए वहाँ से बस कैसे टर्न हो रही है, इतना ज़बरदस्त व्यू लग रहा था यहाँ से, बहुत मज़ा आ रहा था। ये नीचे एक मंदिर था, वहाँ से रास्ता था, कच्चा ही रास्ता था ऊपर चढ़ने के लिए पहाड़ पे ये, और हम आ तो गए थे पर उतरने के लिए बहुत दिक्कत जा रही थी, क्योंकि एकदम सीधा उतरना पड़ रहा था, पर नीचे रास्ता नहीं था ठीक से, पत्थर ही पत्थर थे, तो तीन बार घसरता भी जा रहा था मैं, दोस्त थे साथ में तो फिर संभाल लिया सब। और ये वापस, ये मैंने स्नैपचैट पे आप लोगों को पता ही होगा उस पे से ली हुई शूटिंग है, ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये वापस से ली थी शूटिंग, यहाँ तो बहुत देर तक हम बैठे रहे थे क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, जैसे गाड़ियाँ जा रही थी बड़ी बड़ी, देखिए बस वापस से जा रही है। और गाइस ये मेरे यूट्यूबर ही है, उसने एडिट करके दिया है एक फ़ोटो, उसका नाम शायद मयूर है, तो उसने मेरे ये फ़ोटो एडिट करके दिया, कैसे लगा आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट्स करके, बहुत बढ़िया एडिट किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है यार। और ये फ़ोटो मैंने खींचा था स्नैपचैट पे सेल्फी, नीचे जो रोड दिख रहा था। फिर उसके बाद हम गए थे एक शॉप पे, मतलब मेरा जो रूम पार्टनर है ऋषि, उसके ऑफिस का, मतलब उसके अकाउंटिंग का जो कर रहा था वो अकाउंटिंग, वहाँ का लास्ट दिन था तो सब लोग गिफ्ट देने वाले थे, तो हमने भी सोचा क्यों ना उसको गिफ्ट दिया जाए, इतने सारे वॉलेट देखे हमने पर एक फिर पसंद आया तो वो ले लिया हमने उसके लिए। और फिर गए उसके बाद मैंने यहाँ पे देखे खिलौने, मुझे बहुत पसंद है ये वाले खिलौने, क्योंकि ये थोड़े से हेवी और अच्छे रहते हैं, तो मुझे ये पसंद आया तो मैंने उसको लाइन में लगाया, और मैंने शूटिंग खींची तो वो दुकानदार भी बोल रहे थे क्या कर रहे हैं, फिर मेरे दोस्त बोल रहा था कि उसके यूट्यूब पर डालने के लिए वो बना रहा है शायद से, तो मैं सही पकड़ा उसने, मैं यूट्यूब पर डालने के लिए बना रहा था। और ये जो किचन है, यहाँ पे भी एक मैंने किचन ख़रीदा है, बहुत अच्छा लगा मुझे तो मैंने लिया था, सबकी प्राइस सेम थी, मैंने भी एक 60 रुपीज़ का ही लिया था, बाकी भी किचन की प्राइस सेम थी, और मेरे दोस्त ने भी एक किचन लिया, मैंने ये स्माइली वाला ऐसे ही था, थोड़ा सा अलग है, तो मैंने ये स्माइली वाला ही लिया था एक, वो भी दिखा दूँगा आपको। और उसके बाद हम सीधा चले गए ऑफिस उसके, और उसको गिफ्ट दिया, ये गिफ्ट हमारा वाला नहीं है, ये दूसरा गिफ्ट है, ये ऑफिस के लोगों ने मिलके दिया है, पर गाइस ये ज़रूर देखिए अब ये खोलने के बाद उसमें क्या आने वाला है, ये तो एक सरप्राइज़ था, आप खुद देख लीजिए अभी कैसा है ये सरप्राइज़। तो गाइस
क्या लगता है क्या होगा? तो गाइस ये तो था एक फनी मूवमेंट, पर आप अगर ऐसे फनी वीडियोस देखना चाहते हो तो एक मेरे भैया है उनके चैनल के, आपको थोड़ा सा इंट्रो दिखा रहा हूँ मैं, उसके बाद बताऊंगा आगे का। इस शो में प्योर वेजिटेरियन शब्दों का प्रयोग किया गया है, नॉन वेजिटेरियन लोग इसे देख के विचलित हो सकते हैं। इसमें दिखाई देने वाले सभी पात्र और कलाकार सब्सक्राइबर के भूखे हैं। किसी वस्तु घटना से कोई संबंध निकलता है तो सब्सक्राइब तो बनता है। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो आपकी भावना कमजोर है। धन्यवाद। माइक स्टेज एंड यू, ये इनके चैनल का नाम है, मेरे भैया का चैनल है एक, तो इनके बहुत अच्छे अच्छे फनी फनी वीडियोस रहते हैं। आप ज़रूर इनके चैनल को एक बार विजिट करिए, और अगर आपको पसंद आए इनके फनीस वीडियोस तो ज़रूर इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ गाइस, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए अभी चालू करते हैं हमारा आगे का वीडियो। तो गाइस ये दूसरा गिफ्ट दिया था उसके भाई ऑफिस के लोगों ने। पहला गिफ्ट तो आप लोगों ने देखा ही, वो जानवर के उसके साथ मस्ती मजाक करने के लिए आया था, पर बहुत फनी मोमेंट था यार वो। आत्मदी पाय काय वरतून खुश नको रिकामा। फिर उसके बाद हमने जो वॉलेट दिया था उसको, वो वाला भी उसने खोल दिया था। तो गाइस ये वाला वॉलेट हमने उसको गिफ्ट किया था, बहुत अच्छा था। इतने सारे वॉलेट दिखाए थे वहाँ पे तो हम कंफ्यूज हो रहे थे, तो फिर हमने ये वाला लिया था, तो ये अच्छा लग रहा था थोड़ा, तो इसलिए। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं थोड़ी शॉपिंग करने, और ये मैं चला रहा हूँ कार, वो भी नाइट में, बहुत मज़ा आ रहा था। तो कार चलाने गए थे जब हम, तो गाइज ये गए थे मार्केट में, तो वहाँ पे ये दिखा था हमें लाइटिंग, पर ये खरीदी नहीं थी, बट अच्छी लग रही थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए शूटिंग निकाल ली। बहुत अच्छी लग रही थी, ये दिवाली में हम लगाते वैसी है। तो चलिए अभी देखते मैंने क्या शॉपिंग की। तो गाइज मैंने ये टी शर्ट लिया था, ये ब्लैक कलर का है पर फोटो में थोड़ा अलग दिख रहा है। फिर ये येल्लो कलर का टी शर्ट लिया था, दोनों टी शर्ट लिए थे, और एक शर्ट लिया था ये वाला। तो आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। यही वाला ज़्यादा अच्छा लगा होगा, मुझे भी वही लगा। फिर उसके बाद हमने खाई ठंडी में ही आइसक्रीम। उसके बाद मैंने ये ली थी वॉच, बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने लिया था ये कड़ा, भोलेनाथ जी का था, बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने लिया था। फिर गाइस ये कुछ फ़ोटोज़ वापस से बीच में आ गई। फिर उसके बाद हम गए थे डैम पे घूमने, बुढ़ाना में येलगांव करके एक गाँव है, वहाँ पर ये डैम है, बहुत अच्छा डैम है यार ये। वहाँ पे मैंने फ़ोटोशूट भी किए थे बहुत सारे, वो भी आप लोगों का शेयर करूँगा आगे, दिखेंगे आपको फ़ोटोज़। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। यहाँ पे हमने मतलब ज़्यादा आगे नहीं जा सकती थी बाइक, यहीं पे रोकनी पड़ी। फिर वहाँ से हम पैदल गए आगे घूमते घूमते। फिर वहाँ पे ये कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, फटाफट दिखा रहा हूँ आपको। गाइस इसके बाद ये था बगीचा गेंदे के फूल का, बहुत अच्छा लग रहा था तो उसमें मैंने फ़ोटो भी लिया था। तो कैसा लगा फ़ोटो? तो उसके बाद ये एलगांव का ही है डैम का। ये था झूला वहाँ पे, तो मैंने बहुत मज़े किए वहाँ पे। ये झूला रानी बगीचा का था, या बुल्लाना में एक रानी बगीचा करके वहाँ पे गए थे, वहाँ का फ़ोटो है और वहाँ के वो वीडियो है। तो गाइज यहीं पे ये बुल्लाना टूर हो रहा है ख़त्म, और उसके बाद मैं गया था अपने घर पे सीधा। तो ये घर जाते हुए ली हुई शूटिंग है, घाट में ही ली थी ये भी शूटिंग, क्योंकि घाट लगता ही है बीच में, मैंने आपको पहले ही बोला था, तो वही घाट में ही शूटिंग ली गई थी। तो उसके बाद सीधा मैं गया अपने घर पे, और घर से फिर गया था मैं अमरावती। तो ये जो शूटिंग है मैं बस से ले रहा था, और गाइस ये मैं पहुंच गया हूँ अकोला, और अकोला की जो ट्रैफिक की हुई वो मुंबई को भी टक्कर दे देती है कभी कभी, क्योंकि मुंबई में वेस्टर्न लाइन में जैसी ट्रैफिक होती है सेम अकोला में वैसी ट्रैफिक होती है, हमेशा नहीं होती है पर बहुत कम होती है। पर अभी कैसे चल रहा है, अकोला में चल रहा है बहुत काम, तो महापालिका वालों के, नगर पालिका वालों के बहुत काम चल रहा है रोड के और उड़ान पुल के,
इस वजह से बहुत ट्रैफिक हो रही है। ये देख सकते हो आप कितनी सारी लंबी लाइन लगी थी। यहाँ से आधा एक घंटा लगता है यार बस स्टैंड जाने में। अकोला तो हम जल्दी पहुँच जाते हैं पर अकोला के ट्रैफिक से निकलते निकलते आधा घंटा लग जाता है। तो उसके बाद ये अकोला के ट्रैफिक होने के बाद मैं पहुँचा था 15-20 मिनट के बाद वहाँ पर बस स्टैंड पर पहुँचा। फिर वहाँ पर पापा आए थे लेने, फिर वहाँ से मैं गया था घर पर। तो अभी कभी आइए गाइस अकोला सिटी में, बहुत अच्छी सिटी है हमारी। हमारे यहाँ पे सबसे फेमस है राज राजेश्वर मंदिर। राजेश्वर नगरी भी है हमारी सिटी से, सिटी फेमस है राजेश्वर नगरी कह के भी हमारी सिटी को बुलाया जाता है गाइस। और कैसे लगे आपको सभी फोटोज़ और वीडियोज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिए। और अगर आप लोग को अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो ज़रूर आप शेयर करिए। और अगर बुल्ढाना जाना है तो जाने वाले लोगों के लिए तो ज़रूर शेयर करिए। वहाँ पर जाने के बाद आपको कहाँ कहाँ जाना है उसमें मैंने आपको बताया ही है बहुत कुछ चीज़ें, खाने की जैसे बहुत सारी, घूमने फिरने की जो चीज़ें वो भी बहुत सारी बताइए, तो आपको ज़रूर काम में आएगा अगर आप बुल्ढाना गए तो। गाइस चलिए मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को ऐसे ही जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन दिख रहे हैं उसको दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले दिखे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।